हेलो साथियों, आपका वेलकम है हमारे BHDN। साथियों देखिए, आज उन्हें बात करेंगे 768 स्क्वायर फीट में दो बेडरूम और एक गेस्ट रूम का घर कैसे बनाए, इसके बारे में मैं आप लोग के साथ काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों सबसे पहले देखिए, ये जो भी घर बना हुआ है, किचन बाथरूम जो प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रोवाइड किया गया है, यानी वास्तु अनुसार जहाँ पे किचन कौन से डायरेक्शन मांग रहा है वहाँ किचन दिया गया है, जहाँ बेडरूम मांग रहा है वहाँ बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। इसलिए साथियों घर के डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे घर का डायरेक्शन हुआ। और साथियों ये जो प्लॉट है, प्लॉट की हमारा चौड़ाई जो है 24 फीट है और प्लॉट की जो लंबाई है साथियों हमारा 32 फीट है, यानी 24x32 में ये हमारा बना, ये 2D प्लान है। और साथियों यहीं से हमारा ये एंट्री हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो खुला एरिया है साथियों ये 13 फीट 7 इंच का रखा गया है यहाँ साथियों। और जो जैसे यहाँ से आप लोग अंदर आइएगा ये फ्लोर पे, तो फ्लोर में साथियों यहाँ से लेकर वहां तक आपको एक वॉल दिखेगा। इस वॉल का देखिए, यहाँ से लेकर आउटर फेस की जो हमारा यहाँ पे लंबाई रखा गया 6 फीट 2 इंच का ये रखा गया है। यहाँ पे साथियों हमारा 3 चेयर यहाँ लगाया गया, 3 चेयर यहाँ लगाया गया, एक प्रकार का ये हमारा वेटिंग हॉल हो जा रहा है। और साथियों वेटिंग हॉल के थ्रू जैसे आप लोग थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो यहाँ राइट हैंड में हमारा D2 दरवाजा मिलेगा। इस D2 दरवाजे के थ्रू आप लोग जाइएगा तो गेस्ट रूम मिलता है। यहाँ जैसे गेस्ट रूम में आइएगा तो गेस्ट रूम का साइज हमारा 9 फीट 7 इंच बाई 10 फीट 7 इंच है। इसमें गेस्ट रूम में दो विंडो प्रोवाइड किया गया है, W1 W1, आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों जो W1 विंडो है इस पे छज्जा प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी छज्जा प्रोवाइड किया गया है। ये छज्जे कितना है साथियों, तो ये विंडो से हमारा 5 इंच इस साइड है, 5 इंच इस साइड है। टोटल जो हमारा विंडो है साथियों 3 फीट का, यानी छज्जा हमारा ये कितना हो गया, 4 फीट का हो गया। और साथियों ये जो हमारा बाहर निकला हुआ है मात्र यहाँ से 5 इंच का बाहर निकला हुआ है वॉल के फेस से ये छज्जा। और साथियों थोड़ा सा और आप लोग अंदर आते हैं तो हमारा डाइनिंग हॉल मिलेगा, काफी बड़ा एरिया है। और साथियों डाइनिंग हॉल से ही हमारा राइट हैंड में हमारा स्टेयर शुरू हो रहा है जो हमारे छत पे चढ़ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लैंडिंग सहित स्टेयर की जो चौड़ाई है साथियों 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हमारा है साथियों आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा 3 फीट 4 इंच स्टेयर की चौड़ाई हो जा रहा है। और ये जो लैंडिंग है ये 2 फीट 7 इंच का है, स्टेयर पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये विंडो साथियों। ये वाला जो लैंडिंग लेवल है से साथियों 3 फीट के बाद ये विंडो आपको स्टार्ट होगा। और बात करें कि ये डाइनिंग हॉल से ही हमारा इधर किचन में जाने के लिए D3 दरवाजा प्रोवाइड किया गया है। किचन की साइज भी काफी परफेक्ट है, 6 फीट 2 इंच बाई 8 फीट 1 इंच का किचन का साइज रखा गया है। और साथियों यही देखिए, बगल में एक हमारा बेसिन लगाया गया है जो 3 फीट का एरिया बच रहा है, इस बेसिन यहाँ प्रोवाइड कराया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बात करेंगे साथियों इसी डाइनिंग हॉल से हमारा यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में हमारा टॉयलेट बाथरूम है जिसका साइज साथियों 4 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 1 इंच का ये हमारा टॉयलेट बाथरूम का साइज रखा गया है। और इस टॉयलेट बाथरूम में साथियों हमारा एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है जो हमारे घर की टोटल गर्म हवाओं को बाहर निकाल सके, इसके लिए वेंटिलेटर यहाँ दिया गया है। और बात करेंगे जैसे डाइनिंग हॉल से थोड़ा सा अंदर आइएगा तो आप लोग को यहाँ पर राइट हैंड में हमारा बेडरूम है और लेफ्ट हैंड में भी एक बेडरूम है। इन दोनों का साइज साथियों 10 फीट 7 इंच बाई 9 फीट 7 इंच का ये बेडरूम का साइज है। इस बेडरूम का साइज हमारा 8 फीट 2 इंच बाई 10 फीट 7 इंच का है। इसमें दो विंडो है, यहाँ भी दो विंडो प्रोवाइड किया गया है, W1 W1, आप यहाँ देख सकते हैं। विंडो का साइज हमारा सब सेम है साथियों, मैं आप लोग को सभी बताऊंगा, बस वीडियो बने रहिए। और इसी दोनों विंडो के पास में साथियों एक हमारा पर्सनल टॉयलेट बाथरूम है जिसका साइज 3 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 9 इंच का ये रखा गया है। इसमें भी वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। इस प्रकार साथियों ये हमारा प्लान के बारे में मैं आप लोग के साथ डिस्कस किया। और बात करेंगे कि इतना बड़ा घर बनाने में, इतना अच्छा मकान बनाने में कितना पैसा खर्चा आने वाला है, तो साथियों लगभग आपका 9,60,000 रुपया इसमें लगने वाला है। और बात करेंगे जो इसमें D2 दरवाजा दिया गया है बेडरूम में, उसकी साइज क्या है, तो हमारा 3 फीट बाई 7 फीट का साइज है। और D3 दरवाजा जो हमारा किचन में टॉयलेट बाथरूम में प्रोवाइड कराया गया है, इस दरवाजे का साइज साथियों हमारा 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। और बात करेंगे जो इसमें विंडो है, इस विंडो का साइज 3 फीट बाई 4 फीट का रखा गया है, 3 फीट विंडो की चौड़ाई है और 4 फीट विंडो की हाइट रखा गया है। जो इसमें वेंटिलेटर लगाया गया है टॉयलेट बाथरूम में है, दोनों टॉयलेट बाथरूम, एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम, पर्सनल टॉयलेट बाथरूम है, दो है, दोनों में वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। उस वेंटिलेटर की साइज साथियों हमारा 2 फीट बाई 2 फीट का रखा गया है, यानी 2 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। और यहाँ पे बचा हमारा स्टेयर, तो स्टेयर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा स्टेयर है ये वाला, इसकी जो हमारा राइजर है जो उठान होता है वो हमारा 8 इंच का है, जो साथियों हमारा ट्रेड है वो हमारा 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है। और बात करेंगे जो इसमें ये बिल्डिंग में जो भी कॉलम दिया गया है, सभी कॉलम का साइज साथियों
10 इंच बाई 10 इंच का है, और बाहर के जो भी वाले हैं इसका साइज साथियों हमारा 10 इंच का है, लेकिन अंदर की वाल पार्टीशन के पर्पज से बनाया गया, इसीलिए इन वाल का थिकनेस हमारा कम है, यानी 5 इंच का रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये हमारा जो ड्रॉइंग का नेम है हमारे साथियों हाउस प्लान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये प्लान पसंद आया होगा, ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर साथियों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जिस भी भाई को सिविल से रिलेटेड नॉलेज नहीं है वो घर बनाना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो देख के कुछ अनुभव मिल सकता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।